आज तेजी से बदल रहा है भारत। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के मिशन को पूरा करने के लिए बीते 10 वर्षों से रखी जा रही है मजबूत भारत की नींव, और यह सब संभव हुआ है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी विजन के कारण। वर्ष 2014 के बाद से मोदी सरकार द्वारा देश की बुनियादी ढांचे के विकास में अभूतपूर्व निवेश किया गया है और देश के हर हिस्से में किया गया है अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण। पिछले 10 वर्षों में किया गया है भारतीय रेल की विकास परियोजनाओं में 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड निवेश। भारतीय रेलवे आज एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है। इस दशक के अंत तक भारतीय रेलवे का पूरी तरह कायाकल्प होने जा रहा है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री जी द्वारा आज देशवासियों को दी जा रही है 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं की सौगात। जिन रेल परियोजनाओं का आज शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पण किया जा रहा है उनमें शामिल हैं नई रेल लाइन, मल्टी ट्रैकिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, कार्गो टर्मिनल और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ी परियोजनाएं। प्रधानमंत्री जी आज 10 नई वंदे भारत, 4 वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार, 2 नई पैसेंजर ट्रेन एवं 6 राज्यों के DFC पर चलने वाली विशेष माल गाड़ियों का कर रहे हैं हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ। इनके संचालन से देशवासियों को मिलेगा तेज और आरामदायक सफर का अनुभव एवं माल ढुलाई को मिलेगी अभूतपूर्व गति। माननीय प्रधानमंत्री जी आज राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का न्यू मकरपुरा न्यू घोलवड सेक्शन और न्यू खुर्जा सानेहवाल सेक्शन। साथ ही कर रहे हैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बीते वर्षों में देश में 2,500 किलोमीटर से अधिक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जा चुका है और आज यह बन चुके हैं देश की समृद्धि के कॉरिडोर। इसके साथ ही आज हो रहा है गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, डिजिटल कंट्रोल स्टेशनों, लोको शेड्स और गुड्स शेड्स का राष्ट्र को समर्पण एवं 19 रेलवे वर्कशॉप, लोको शेड्स, पिट लाइंस, कोचिंग डिपो के साथ फलटण बारामती नई रेल लाइन एवं 9 इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन प्रणाली के अपग्रेडेशन का शिलान्यास। आज देश के विभिन्न हिस्सों में नई रेल लाइनों एवं दोहरीकरण, रेल मार्गों के विद्युतीकरण, रेल मार्गों में स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली की स्थापना का भी राष्ट्र को समर्पण हो रहा है और सौर ऊर्जा से संचालित स्टेशनों का भी किया जा रहा है राष्ट्र को समर्पण। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी आज कर रहे हैं रेलवे स्टेशनों पर स्थापित जन औषधि केंद्रों एवं वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल का राष्ट्र को समर्पण। जन औषधि केंद्रों पर जहां यात्रियों और स्थानीय निवासियों को किफायती दरों पर दवाएं उपलब्ध होंगी, वहीं OSOP स्टॉल्स पर स्थानीय उत्पादों की बिक्री की जाएगी जिससे स्थानीय शिल्पकारों एवं व्यापारियों को मिलेगा प्रोत्साहन। प्रधानमंत्री जी देश के विभिन्न शहरों में रेल कोच रेस्टोरेंट को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित, जहां रेल यात्री और स्थानीय लोग लजीज व्यंजनों का उठा सकेंगे आनंद। पूरे देश के सर्वांगीण विकास का जो महाअभियान माननीय प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं उसमें ये रेल परियोजनाएं मील का पत्थर साबित होंगी। इन परियोजनाओं से सिद्ध होता है विकसित भारत के लिए मोदी सरकार का संकल्प, यानी मोदी सरकार की गारंटी।